आप सबका हम स्वागत करती हूँ। धनुर्वस के त्योहार पर आप सबका हम स्वागत। क्या ये? अरे धनुर्वास नहीं, धनुर महोत्सव बोलो। पत्रकार बन गई हो, हिंदी ठीक से नहीं बोलती। अरे चिंता क्यों करती है, बोलता है ना सही। हाँ। क्या हुआ, तू श्रीदेवी पर भड़क क्यों रहा है? एक भी डायलॉग ठीक से नहीं बोल पाती है। कमाल करता है, ये डायलॉग सही से बोलती तो किसी टीवी सीरियल या फिल्म की हीरोइन होती। ये और हीरोइन। अरे सुन, ये प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट नहीं हो रहा क्या? तूने केबल का पैसा नहीं भरा और लाइव टेलीकास्ट देखेगा? क्यों रे, सेकंड कनेक्शन का पैसा कब भरेगा? सेकंड कनेक्शन मतलब? तुम्हें पता नहीं है क्या, तुम्हारे पति ने सेकंड कनेक्शन लगा के रखा हुआ है। अरे पागल, इसकी दुकान में जो सेकंड कनेक्शन लगा है उसकी बात कर रहा है तू? इसकी बात पे ध्यान मत दे, चल जा। अबे क्या मरवाएगा, वो मेरी बीवी है। अच्छा वो सब छोड़, अगर तूने आज पैसे नहीं दिए ना, लाइव टेलीकास्ट तेरी बीवी को दिखा दूंगा। रात होने से पहले दे दूंगा, चल जा। हाँ दे देना, बड़ा आया, लाइव टेलीकास्ट देखेगा। डायलॉग याद आया, याद आया। अरे तू अपने डायलॉग को छोड़। डायलॉग मेरा जान। डायलॉग कैसी की तैसी, उधर बड़े साहब आ रहे, जल्दी चलो। नमस्कार। नमस्ते। आपकी दया से ये त्योहार बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। मेरी वजह से नहीं, मेरा क्या है इसमें, भगवान की दया से ही सब कुछ होता है। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ जो भी होता है वो खुद ही करते हैं। राजू कहाँ है? मंदिर में बुलाओ क्या? हाँ। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभारंगम। अरे यार तू यहाँ पर है, मैं तुझे वहाँ ढूंढ रहा था। लेकिन क्यों? भगवान कृष्ण भी बहुत ग्रेट हैं। अच्छा वो कैसे? नहीं पता, भगवान कृष्ण के पास 1600 गर्लफ्रेंड थी, उनको संभालना कितनी बड़ी बात है। तेरा लफड़ा क्या है बोल? अरे इतने दिन से ट्राई मार रहा हूँ, पद्मा मेरे से इंप्रेस ही नहीं होती है। लड़कियों को इंप्रेस करके कुछ नहीं होगा, वो इंप्रेस होगी तभी कुछ होगा। भाई लगता है वो इंप्रेस हो गई, अंजलि तेरे को ही देख रही है। अरे देखने से क्या होता है, हंसी तो फिर फंसी। भाई भाई वो तो हंस रही है, फिर तो प्रॉब्लम है भाई। इधर आ। क्या बात है अंजलि, बड़ी शर्मा रही है? मुझे तुमसे एक बात कहनी है। हाँ बोलो ना। मुझे एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई है, 90,000 सैलरी है, पता है? वेरी गुड, कॉन्ग्रेट्स। पर घर वाले शादी के लिए बोल रहे हैं। अगर तुम हाँ कहो तो। हाँ बोल तो सकता हूँ, पर अभी जो नौकरी मिली है उससे अभी रिजाइन दे दो तो अच्छा नहीं रहेगा ना। मैं नौकरी से रिजाइन कर दूंगी। तो फिर तुम मेरे साथ हैदराबाद आ जाना। अच्छा इस गाँव को छोड़कर मैं तेरे साथ आऊँ, चांस ही नहीं है। कभी कभी भगवान की सेवा, कभी कभी बड़े पापा की सेवा, बस मेरी जिंदगी तो यही है। क्यों रे? सही बोला भाई, बड़े पापा बुला रहे हैं तुम्हें। आ रहा हूं। तुम कहो तो मैं चलूं हैदराबाद। निकम्मे। हाँ बड़े पापा। राजू हाँ, खर्च के लिए इन्हें कुछ पैसे चाहिए, जितना मांगे उतना दे देना आप लोग। अच्छा अच्छा सुनो, कितने चाहिए? खाने की महक तो इतनी अच्छी आ रही है कि लगता है बड़ी माँ खिला खिला कर ही मारेगी। सुन पार्वती जी, इसे अच्छे से बांधना और चींटी ना लग पाए इसलिए छींके पर टांग देना, ठीक है? अरे बड़ी माँ इतना सब कुछ, मिठाई की दुकान खोलने का इरादा है क्या? चुप कर पागल। तेरे दोनों भाई, मुंह बोली बहन, सब लोग इतने दिनों बाद यहाँ आ रहे हैं तो ये सब कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। मैं बहुत थक गया हूँ, एक कॉफी बना दो ना। यही खड़ा रहे और देख के चींटी ना लगे, मैं भी आती हूँ। आहा, तिरुपति का लड्डू, अन्नपूर्णा जी का प्रसाद और आपके हाथ की कॉफी, तीनों का जवाब ही नहीं। हे राजू इधर आ। हाँ बड़े पापा। शांति ने फोन किया था, कल वो लोग आ रहे हैं, राजमंडी जाकर उन्हें ले आना। ठीक है बड़े पापा। शांति भी कल आ रही है, बहुत सारा काम है हमारे पास। हाँ। ये बाद में। चलो
सुन बेटा उठना, उठना। हुआ बड़ी माँ? कुछ नहीं बेटा, शांति जिस प्लेन से आ रही है वो अभी कहाँ पहुंची होगी? बस हो तो कौन सा गांव है पूछ सकते हैं, ट्रेन हो तो कौन सा स्टेशन है बोल सकते हैं, लेकिन प्लेन, प्लेन कहाँ तक आया कैसे पूछ सकते हैं? इतना तो पता नहीं बड़ी माँ, लेकिन कल वो राजमंडी जरूर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना? अभी जाओ सो जाओ प्लीज। राजू, ए राजू, लगता है ये घड़ी ना बहुत स्लो चल रही है, शायद सेल डाउन हो गया है। सब लोग आने वाले हैं ना, घड़ी जो है वो अपने आप स्लो नहीं हो जाएगी, वो जैसे घूम रही थी वैसे ही घूम रही है। आपने इतने साल वेट किया है, कुछ घंटे और वेट नहीं कर सकती? पहले तो वो आएंगे या नहीं ये बात थी, कितने भी साल इंतजार कर सकती थी, पर जब से पता चला है वो आ रहे हैं तब से एक एक पल भी युगों जैसे लग रहा है। वो आ जाएंगे, आप जाके सो जाओ। अरे उठ, शांति के आने का वक्त हो गया है, जल्दी उठ, चल उठ, तेरी तो नींद ही पूरी नहीं होती, जल्दी तैयार हो जा और उन्हें लेकर आ। भाई अगर त्योहार के दिन मुर्गों की फाइट का लाइव टेलीकास्ट करें तो कैसा रहेगा? बस वो रात पुलिस स्टेशन में गुजारनी पड़ेगी, फालतू आइडिया मत दे। अरे सुन, ये तो अपना बद्री है ना? हाँ वही है। ए बद्री, इधर आ। वैसे का वैसा काला है ये। क्या रे अपने गांव जा रहा है? अब हमेशा के लिए उधर ही रहूंगा। तुझे बोला था शहर की नौकरी छोड़कर यहाँ पे कर ले, और तेरी शहरी गर्लफ्रेंड का क्या हुआ? वो पहले की बात थी, ए टीवी सीरियल में जो होता है उस पे यकीन कर लेना, पर कंप्यूटर की दोस्ती पे यकीन मत करना। पहले देखती है, फिर मुस्कुराती है, फिर खर्चा करवाती है, उनके ऊपर खर्च कर करके मैं बर्बाद हो गया हूँ, इसलिए गाँव छोड़ के जा रहा हूँ। और तेरी गर्लफ्रेंड? अरे काहे की गर्लफ्रेंड, अरे जब देखो तब मेरी बैंड बजाती है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से लेके नाइट डिनर तक मेरी छाती पे मूंग गलती है। ए शुरू में ना मेरे गांव का पिन कोड नंबर मांगा, मैंने उसको दे दिया, उसके बाद एटीएम का पिन कोड मांगा, कहीं उसे बुरा ना लगे सोच के दे दिया, उसके बाद वो स्वाइप पे स्वाइप किए जा रही है यार। इसलिए कहते हैं अपनों पर भरोसा करो गैरों पर नहीं। जैसे दूसरों को सेट किया मुझे भी कर दो ना यार। फेस्टिवल हो जाने दे, बाद में देखते हैं। नारियल रेडी? माँ कसम आज तू एकदम नारियल बेचने वाला लग रहा है। बहुत अच्छा लगता है। ये रखकर हमको राजमंडी जाना है, याद है तेरे को? राजमंडी क्यों भूल गया तू? मेरे लिए लड़की देखने जाना है इसलिए राजमंडी जाकर शॉपिंग करने की बात हुई थी ना, कहीं रिश्तेदारों में तू बिजी तो नहीं हो गया? अरे रिश्तेदार आसमान के पंछी की तरह होते हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन दोस्त आकाश की तरह होते हैं जो हरदम हमारे साथ रहते हैं। चलो चलते हैं। राजू कितनी देर में आएगा तू? अरे अभी अंदर गया और अभी आया। दादाजी दादाजी, ये देखिए फोटो। ये क्या है? फोटोज। ये कौन है? कैटी, रीचा। बड़े बाबा, नारियल लेकर आ गया हूँ, आपको और कुछ चाहिए तो बता दीजिए। अब तू एक काम कर, वो नित्या को अपना गांव खेती बाड़ी देखना है, जा जाके दिखा दे। ठीक है बड़े पापा। सुन ताकत के लिए दूध पीना बहुत जरूरी होता है। यहाँ खड़े होके क्या कर रहे हो? वो राजमंडी जा रहे हैं इसीलिए उसका वेट कर रहे हैं। ओहो मैं नहीं आ रहा हूँ यार, एक काम करो तुम लोग जाकर आ जाओ, मुझे कुछ काम है। बेटा मेरे लिए तुम अपना प्रोग्राम क्यों कैंसिल कर रहे हो? तुम्हारे दोस्त तो आए हुए ही हैं, उन्हीं के साथ चले जाओ। दोस्त क्या है फूफा जी, पेड़ के पत्तों की तरह होते हैं, हमेशा झड़ते रहते हैं। लेकिन रिश्तेदार वो तो पेड़ हैं, एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। क्या हुआ, तुम लोग जाओ ना। आइए फूफा जी आओ। लगता है दादाजी ने कुछ काम बता दिया होगा, राजमंडी बाद में जाएंगे, चल अभी चलते हैं। Nice painting. इसे पेंटिंग नहीं कहते, रंगोली बोलते हैं। रंगोली? हाँ। ओके। ए सुबो। बो, ये क्या डिजाइन बना रही है तू? मेरा घर बहुत सुंदर है ना, इसलिए मैं घर के सामने रंगोली बना रही हूँ। मेरी रंगोली कैसी है? ये कोई रंगोली है? देखो ना इसमें कितने सुंदर फ्लावर्स हैं। अरे फ्लावर्स कहाँ हैं? अरे भूल गई, अभी बना देती हूँ। राजू मुझे ही सीखना है। सुबो, नित्या को तुम रंगोली बनाने सिखाओगी?
तुम जो कहोगे ना मैं सब सिखा दूंगी। अच्छा, तू कुछ भी सिखा देगी? तुझे पता है ये कौन है? वैसे ये लड़की कौन है? मेरी आंटी की लड़की है। नमस्ते जी। ये बात है तो फिर मैं सेफ हुआ। क्या मतलब? वो जिसके पास आईफोन होता है ना, वो चाइना फोन नहीं चुराता है। आईफोन चाइना फोन क्या होता है? आईफोन मतलब आईफोन होता है और चाइना फोन मतलब चाइना फोन होता है। सही बोल रहा हूँ ना? चलो चलते हैं। बहुत हीरा लिया, रंगोली बना। अरे बेटा कैसे हो? ये लड़की कौन है? ये मेरी दूर की रिश्तेदार है। ओ, ऑस्ट्रेलिया वाली। दोनों साथ बहुत अच्छे लग रहे हो। मुंह मीठा कब करवा रहे हो? मुंह मीठा मतलब? मुंह मीठा मतलब खीर खानी है। ओ, मतलब खीर। दादी आपको खीर खानी है? जी हाँ, मैं लाऊंगी। चलो चलते हैं। और चाचा जी, इस बार खेती अच्छी हुई ना? हाँ बेटा। बड़े पापा याद कर रहे थे, जरा मिल लेना। ठीक है बेटा, मिल लूंगा। ये सब तुम्हारे रिश्तेदार हैं क्या? नहीं तो। नहीं, लेकिन तुम सबको अंकल आंटी कह रहे हो। बड़ों को नाम से कैसे पुकार सकते हैं? रिश्ते से पुकारोगे तो रिश्ते बन जाते हैं। गांव में हम सबको ऐसे ही बुलाते हैं, इसलिए यहाँ पर रिलेशंस और इमोशंस ज्यादा हैं। वेरी नाइस। अरे यहाँ खेती बाइक से करते हैं क्या? इंटरेस्टिंग। क्या रे, कौन है ये? नित्या, रिश्तेदारी समझ ली इसे। हाय। नमस्ते जी। तुम्हारी बाइक बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका सारा क्रेडिट राजू को है, इसी ने बनाया है इसे। Really? सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी चीजों को बनाया है इसने जो यहाँ के किसानों के काम आती हैं। पढ़ा आर्ट तक है, लेकिन दिमाग इंजीनियरों वाला। Really? That's great. I never expected that from him. You're really talented, Raju. Oh, sorry. आप इंग्लिश नहीं समझते ना? What you said about Raju is absolutely right. He has amazing talent. His inventions are useful to every villager. You know English? I did my masters from Chicago State University. वहाँ पढ़कर आप यहाँ? क्यों? उधर पढ़कर यहाँ पर खेतीबाड़ी नहीं कर सकते? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। इसी ने मुझसे कहा, तू शहर में जितना पैसा कमाएगा उतना पैसा तू यहाँ खेती करके कमा सकता है, और आज मैं नौकरी से ज्यादा पैसा यहाँ कमा रहा हूँ। इसका क्रेडिट जाता है राजू को, सच कहूँ तो। आई एम वेरी हैप्पी। दैट्स ग्रेट। चलें? हाँ। बाय, बाद में मिलते हैं। नित्या, ये कैमरा दो, अब चलो। हाँ? आओ। राजू, हाउ कुड आई कम? कैटवॉक पता है ना? आई नो। वैसे ही करते हुए आ जाओ। अरे आओ, कुछ नहीं होगा। जब यूरोप टूर के लिए गए थे ना, ये तब की फोटो है। नानी माँ, नानी माँ, वो आपका फेसबुक अकाउंट है क्या? ये कौन सा अकाउंट है? ओ गॉड, फेसबुक क्या होता है ये आपको नहीं पता नानी माँ? टू बैड। बेटा नानी से ऐसे बात नहीं करते। यहाँ एक मिनट नानी, मेरी फ्रेंड का फोन है। हाय शाइनी, हाउ आर यू? हाय, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? या आई एम फाइन। Are you comfortable there? The climate is a bit harsh, but everything is fine. Okay. Wait a minute. I'll show you my grandma. Hi, Boli Nani. Hi. Nani Ma. Hi, nahi. Hi. Hi. Hi, Grandma. I'll introduce my grandfather, okay? Nanaji, Nanaji. My friend, Shiny. Hi, Grandpa. Thank you. Bye. I'll catch you later. अब खिलाइए नानी। शांति, लगता है हम लोग यूं ही चले आए। यहां तो कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। मम्मी तो यहाँ पे खुश है और पापा जी भी यहाँ ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है, पता करो। मैं माँ से बात करके देखती हूँ। What are you doing? दूध दूह रहा हूँ मैं। पियोगे? एकदम ताज़ा ताज़ा है। No, 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 no.
अरे रुको रुको, थोड़ा पीकर देखो तो सही। क्या दे रहे हो तुम्हें? मिल्क। तो पी लो, एकदम ताजा दूध है ये बेटा। दूध नहीं पीऊंगा, डब्बे वाला दूध पीऊंगा। कैसी बातें कर रहा है? मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, इसे समझ में नहीं आ रहा है। ओए, इसी दूध को वो लोग बाद में पैकेट में डालकर बेचते हैं। नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। नालायक कहीं का। It's funny. मम्मी, आप दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम है? हर वक्त अपनी मनमानी करते रहते हैं। असल में हुआ क्या है? बड़ी माँ, कॉफी दे दो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पहले इन सबको तोड़ दे तू। क्या कहा? ये सब मैं करूँगा? क्यों, नहीं तोड़ेगा? तोड़ता हूँ, कॉफी कहाँ है? देती हूँ तुझे। शांति, दो दिन में तेरे भाई आ रहे हैं, तू ना अपना गुस्सा और ईगो कम करके उनसे बात कर लेना। आप मुझसे कह रही हैं? उनके फ्रेंड को मैंने शादी के लिए मना किया और मेरी पसंद के लड़के से मैंने शादी की, इसलिए वो मुझसे बात नहीं करते। और आप मुझसे कह रही हैं? कभी उनसे भी कहिए। ठीक है, वैसे भी तू मेरी बात कहाँ सुनती है। अच्छा सुन, एक बात ध्यान रखना, उन दोनों से झगड़ा बिल्कुल मत करना, ठीक है? गुड मॉर्निंग राजू। गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो? रीठा तोड़ रहा हूँ। मतलब? So many years back, no shampoo. That time, इस रीठा से ही शैम्पू बनाते थे। Really? Yes. मैं तोड़ना चाहती हूँ। अरे ऐसे नहीं, इसे ऐसे रख के ऐसे पकड़ो और मारो, अभी से मारो। अरे बाप रे, तोड़ दिया। क्या हुआ राजू, क्या हुआ बेटा, तुम्हें चोट लगी क्या? नहीं कुछ नहीं, अगर मैं चिल्लाऊंगा तो आप कैसे रिएक्ट करोगे ये मैं देखना चाहता था। दिमाग खराब हो गया है तेरा, हम लोग कितना घबरा गए थे पता है? क्या हुआ? कुछ नहीं बड़े पापा। हाँ। चलो यहाँ से। अरे बाप रे, चल रहा है। अरे इट्स ब्लीडिंग। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सॉरी, दर्द हो रहा है ना? थोड़ा सा। अरे दर्द हो रहा है तो बताना चाहिए था ना। अगर खुशी हो तो 10 लोगों के साथ बांटनी चाहिए, लेकिन दुख को बांटकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहिए। तुमने देखा ना, थोड़ा चिल्लाया तो सब लोग आ गए, अगर ये देख लेते तो बवाल ही हो जाता।